गुरुग्राम में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कृष्णकांत शर्मा की पत्नी और बेटे की बीच बाजार गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी गनमैन को कोर्ट ने दोषी करार कर दिया है। गनमैन महिपाल को धारा 302, 201 और 17 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार कर दिया गया है। सजा पर बहस 7 फरवरी को होगी। गोली मारने के दौरान की घटना को आसपास खड़े लोगों ने फोन में वीडियो बनाकर कैद कर लिया था, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था। मामला 13 अक्टूबर 2018 का है, जब जज शशिकांत की पत्नी रेनू और बेटा ध्रुव गुरुग्राम सेक्टर 51 के पास स्थित आर्किजिया बाजार में खरीदारी के लिए गए हुए थे। उनके साथ जज का गनमैन महिपाल भी था। उसने अपनी बंदूक से सरे बाजार रेनू और ध्रुव को गोली मार दी थी। इसके बाद वह दोनों को लेकर जाने लगा। वह दोनों को कार में नहीं बैठा सका तो वहीं छोड़कर फरार हो गया। लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो रेनू और ध्रुव खून से लथपथ पड़े थे। पुलिस ने आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां रेनू ने दम तोड़ दिया। इसके 10 दिन बाद ध्रुव की मेदांता अस्पताल में मौत हो गई। दोषी महिपाल ने गोली मारते हुए कहा था कि ये शैतान है, ये शैतान की माँ है। उसने जज को भी फोन करके कहा था कि मैंने उसकी पत्नी और बेटे को गोली मार दी है। महिपाल ने 2007 में हरियाणा पुलिस ज्वाइन की थी। उसके 2 बच्चे भी हैं। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन। World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।